प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सहकारिता विभाग की बैठक में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए सहकारिता मंत्री ने सीएम कमलनाथ की जमकर तारीफ की। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंत्री गोविंद सिंह ने सहकारिता विभाग की अहम बैठक लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए वे यहाँ आईफा अवार्ड करवा रहे हैं ताकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ आए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी की तुलना हिटलर से की और कहा कि भाजपा हिटलर के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। जिस प्रकार हिटलर ने काम किए वैसे ही काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विचार हिटलर के पद चिन्हों वाली पार्टी है। ये जिस प्रकार हिटलर ने काम किए, फासवादी संगठन बनाकर राष्ट्रीय आरएसएस, जिसको मैं कहता हूँ आरएसएस नहीं है, उसका नाम है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये राष्ट्रीय स्वयं कभी स्वयंसेवक काम का नहीं करते, वास्तव में इसका असली नाम है जो होना चाहिए वो है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। ये षड्यंत्र फैलाता है, ये लोगों को भाईचारे में आपस में लड़ाने का काम करता है, देश को दो टुकड़ों में बांटने का काम करता है, देश में संविधान की धज्जियां उड़ाकर सांप्रदायिकता के आधार पर देश चलाने के लिए नियम और कानून संसद में पार करती हैं। वो पार्टी का भविष्य हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। मैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद बधाई देता हूँ कि कम से कम इस प्रकार की सोच उनकी है और उनके तमाम जो संबंध हैं, राजनीतिक अनुभव, वरिष्ठता के कारण उनके अलग जगह संपर्क हैं। इस संपर्क के माध्यम से हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी इसके अलावा काम कर रहे हैं, स्टोन पार्क भी बना रहे आ रहे हैं ताकि पत्थर का उद्योग यहाँ चले। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी का सोच मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थिति में लाने का है और उसी तहत के तहत उन्होंने आईफा का अवार्ड का आयोजन इंदौर में रखने का निर्णय लिया और वहाँ के सबसे बात करके हमारा सौभाग्य है प्रदेश का कि मैं हिंदुस्तान में दूसरी बार जगह और मध्य प्रदेश में पहली बार उज्जैन में ये स्थान हमारे कलाकार लोगों ने अपनी सहमत दी है। जब अवार्ड मिलेगा तो जब वो आएंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम पूंजीपति लोग तो यहाँ आके यहाँ फिल्में बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ काम करती है तो हजारों लाखों लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा ताकि लोगों के नौजवानों की समस्या का निदान हो। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।